पिशावरी नमकीन चिकन कढ़ाई बनेगी। अच्छा, इसके लिए आप देख सकते हैं हमने बड़ी ज़बरदस्त सीख कढ़ाई ली हुई है, इसको हमने पहले चूल्हे पर रख दिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि डालेंगे इसमें घी, क्योंकि ये घी में ही बेहतरीन बनती है। ये क्या, एक कप घी। फाजी वनस्पति, वीटीएफ वनस्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार। और आपको मालूम है हमारी जो खाने तैयार होते हैं वो फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या फिर वनस्पति में होते हैं, क्योंकि फोर्टिफाइड विटामिन ई एंड डी से हम हैं, जो बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, सेहत का ख्याल साथ साथ लज्जत, जायका, खुशबू सब कुछ मिल रहा है आपको। अच्छा, ये देखें आपके, इसको थोड़ा सा मैं स्कॉल मेल्ट कर लेती हूँ, हो ही गया, तकरीबन हो गया। अच्छा, इसमें हम जो चिकन शामिल करेंगे वो है 750 ग्राम चिकन है मेरे पास, और दहरे के चिकन के पीसेस जो है ना वो हमने कढ़ाई के हिसाब से ही किए हुए हैं। तो ये गई इसमें, ओहो पानी है तो मैं सोची उसको ऐसे डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये चली गई 750 ग्राम चिकन, और इसको अभी हम छोड़ देते हैं और थोड़ा सा चलें। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें, अच्छा आँच जो है वो फुल है, इसमें डालेंगे नमक, नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, और यहाँ पर हम तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे। ठीक है जी, ये गया नमक, इसी वक्त आपने नमक डालना है, ये चला गया नमक, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, ये देखें कलर जैसे ही इसका चेंज होगा तो इसमें हम क्या चीज़ डालेंगे, हम डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर मेरे पास यहाँ पर रखे हुए, ये आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये टमाटर जो है मेरे पास 250 ग्राम टमाटर है। ये टमाटर हैं जिनको हमने दो दो पीसेज में कर लिया, ये हम इसी तरह से डालेंगे इसके अंदर और क्या करेंगे कि इसको कवर करके छोड़ देंगे। तो टमाटर का अपना पानी होगा, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि चिकन का भी अपना पानी निकल रहा है, तो उसमें ही ये बहुत अच्छी सी गल भी जाएगी और टमाटर भी हमारे गल जाएंगे। ठीक है पापा, अगर ये मटन या बीफ हम ले रहे होते तो भी आप सेम करेंगे, सेम करेंगे। इधर हमने गोश्त को कलर किया थोड़ा सा, बिल्कुल फ्राई किया फर्जी, हाँ, लेकिन थोड़ा सा हमें मटन या बीफ है तो मटन को हमें थोड़ा गलाना होगा। यहाँ पर हम चिकन को गला नहीं रहे, बस ये गैस में टमाटर, चिकन है 250 ग्राम टमाटर थे जो हमने इसमें डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इन टमाटरों को छोड़ देंगे इसी तरह से। चलेंगे, बहुत ही शानदार सी कढ़ाई बनेगी, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। चलें, और अब हम चूल्हा स्लो कर देते हैं, ये स्लो कर दिया और इसको कवर कर देते हैं। तो क्या होगा कि इसके अंदर पानी हो जाएगा, इस पानी में ही ये टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे, इसके अलावा जो इसके अंदर चिकन है वो भी गलेगी। बाकी क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे इसमें, हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, अदरक है, कुटी हुई काली मिर्चें। चेक करें कि जनाब ये जो बहुत देर से कवर है, ये कवर वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा सा हो गया। अब इसमें हम ये जो मेरे पास, ये देखिए छिलके इस तरह से हम इसके रिमूव कर देंगे। सही है, डन, जो कि हमने हाफ करके डाले, हमने हाफ करके डाले थे, आप पूरे पूरे भी डालेंगे तो इंशाल्लाह इजीली निकल आएगा। ये देखिए जी, देखा आपने कितनी आसानी के साथ, लेकिन शर्त ये कि अच्छे कुक हो जाएगी, क्योंकि कच्चे होंगे तो नहीं निकलेगा ना, ये अच्छे सॉफ्टनेस जैसी आएगी, हाँ, तो आराम से निकल आराम से निकल जाएगा। ये देखिए जी, आपने देखा, आपने इजीली निकल गया, ये तो हो गया है, तो थोड़ा सा इसका, हाँ, थोड़ा सा हो गया, ओ ये रह गया। अच्छा, अब बारी आती है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको आँच को करेंगे तेज़, इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। ये देखिए जी, अब इसको हम कुक करना शुरू कर देंगे। कुक किस तरह से करेंगे कि ये बहुत अच्छा सा भुन जाए। सही जी, तो मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा इसको कर लें इसी से पकड़ू ये, सही है, ठीक है, हाँ ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा पकड़ लेती हूँ। सही, अब इसे हम इसको कुक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी हम कोई चीज़ और ऐड नहीं करें, इस स्टेज से आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी मैंने इसमें काट ली थी, तो ये कटी हुई हरी मिर्चें मैं थोड़ी सी इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है जी, ये चली गई, क्योंकि बाकी की हरी मिर्चें हम एंड में शामिल करें। ये क्या, इसके अलावा कुटी हुई काले मिर्चें, ये गई इसके अंदर, अभी मैं हाफ डाल रही हूँ, हाफ मैं इसमें बाद में शामिल करूँगी ताकि ज़रा अच्छा सा, वाह, अब आपने देखा कि ये टमाटर चूँकि गले हुए अच्छे थे तो अच्छे से ये मिक्स भी हो रहे हैं इसमें, अब ये अच्छे से स्मूथ हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। अभी हम इसको भून रहे हैं ना, अभी टाइम लगेगा इसको ना। ठीक है, चलें जी, अब आप देखें कितने अच्छे से टमाटर भी से मिक्स है ना, और ये बाकी की काले मिर्च ये चली गई, इसके बाद ये गई बाकी की हरी मिर्च है,
इसके अलावा अच्छा इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा और हम ब्रेक लेंगे। बिल्कुल, हमारी कढ़ाई डन हो चुकी है, मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखें, ये बेहतरीन सी हमारी कढ़ाई डन हो गई। हरी मिर्चों को थोड़ा सा फ्रेश रखेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पर ये स्लाइस की हुई अदरक। ठीक है, चूल्हा बंद? चूल्हा बंद और ये तैयार। तैयार थोड़ी देर में कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से बड़ी मज़ेदार बन गई। अच्छा, अब आप देखिए, बिल्कुल आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये बिल्कुल ड्राई है, बेहतरीन है ये। इसमें थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ग्रेवी भी है, क्योंकि हमने टमाटरों को प्याज व्याज हमने कुछ नहीं डाली, अदरक लहसुन नहीं डाले, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बनी।